असंभव, एकदम से असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया के किसी भी कोने में, ब्रह्मांड में, कहीं भी गैलेक्सी में, कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता जैसा रिकॉर्ड बिहार के इंजीनियरों ने बना दिया। चौथा पुल गिरा 10 दिन के अंदर, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, हर जिला लाइन लगा हुआ है कि अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। सुपौल, किशनगंज, अररिया, सिवान, मोतिहारी, कमाल की बात यह है कि अब 70 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा किशनगंज में पुल गिर गया है। बहादुरगंज ब्लॉक में स्थित यह पुल था और सहायक नदी पे बना था पुल। जरा सोचिए किस प्रकार से असंभव काम को बिहार के इंजीनियरों ने और बिहार के भ्रष्ट ठेकेदारों ने और बिहार के भ्रष्ट नेताजी लोगों ने संभव कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई भी काम असंभव किसी के लिए हो सकता है तो वो बिहार के लिए नहीं हो सकता है, बिहार कुछ भी कर सकता है। और देखिए असंभव को संभव करके दिखाया, 10 दिन के अंदर चौथा पुल गिराया। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि एक साल के अंदर कम से कम 20 पुल गिरने वाले हैं, पुलिया नहीं, पुलिया और पुल दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 365 दिन के अंदर 365 से ज्यादा पुल पुलिया गिरेंगे। लेकिन अगर पुल की बात किया जाए तो मैं कह सकता हूं कि एक साल के अंदर अंदर 20 से ज्यादा पुल गिरेंगे। फिर से किशनगंज के डीएम तुषार सिंघल ने बताया कि जिले के बहादुरगंज ब्लॉक स्थित 70 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा पुल गिर गया। यह पुल 2011 में बना हुआ था। अब जरा सोचिए सिर्फ और सिर्फ 12 साल के अंदर अंदर यह पुल गिर गया। ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर चौथा पुल गिरा। अभी देखिए आगे क्या हो रहा है, इस बारिश में जो है अनेकों पुल गिरने वाला है, अनेकों फ्लाईओवर गिरने वाला है। देखिए यहाँ पे जो है, अब नेपाल में बारिश हो गया, बिहार में पुल गिर गया, अब ये पुल क्यों गिरा? देखिए अररिया का पुल का जांच रिपोर्ट इंजीनियर साहब हमको ये बता रहे थे कि ग्रामीणों ने जेसीबी लगा के जो है उसका खुदाई कर दिया, इसलिए जो है पाया धस गया। सिवान का रिपोर्ट ये था कि पुल पुराना था इसलिए गिर गया। मोतिहारी का रिपोर्ट ये है कि पुल बन रहा था, रात में ग्रामीण लोग आए और जो नीचे जो है सपोर्ट लगाया गया था उसके वजह से पुल गिर गया। जबकि मैं मोतिहारी में जाके देखा एकदम गलत तरीके से थर्ड क्लास काम हो रहा था। अभी तक सुल्तानगंज अगवानी का जो है रिपोर्ट नहीं आया है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन जो कमिटी आई थी रुड़की से जो इंजीनियर आए थे उस पुल को जांचने, उन्होंने कह दिया कि M65 से कास्टिंग करना था, यानी कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है M65 होना चाहिए था, वो कास्टिंग जो है M30 और M35 से हुआ। M30 क्या होता है, M35 क्या होता है, ये कंक्रीट का ग्रेड होता है, ग्रेडिंग सिस्टम, M10, M15, M20, M25, M30, M25 तक आप जो है मिक्स करके बना सकते हैं, लेकिन M25 से ऊपर जाते हैं तो आपको जो है डिजाइन मिक्स की जरूरत पड़ती है। और मिक्सर मशीन से, जो आप अपने गांव में देखे होंगे, वो जनरेटर लगा दिया जाता है और मिक्सर मशीन से बनता है, तो ये जो है आप मिक्सर मशीन से M25 तक बना सकते हैं, उसके ऊपर डिजाइन मिक्स की जरूरत पड़ती है। मोतिहारी में डिजाइन मिक्स नहीं हो रहा था, मिक्सर मशीन से जो है वो कंक्रीटिंग हो रहा था, इसलिए जो है मोतिहारी का जो है वो पुल धड़ाम से गिर गया। भागलपुर का पुल जो है M65 से जो है ढलाई करना था, M35 से ढलाई कर दिया, इसलिए गिर गया। किशनगंज का पुल जो है 2011 में बना, अभी गिर गया। जमुई में पुल गिरा था, और देखिए जब हम सर्च मारते हैं ब्रिज कोलैप्स, बिहार ब्रिज कोलैप्स, तो देखिए रिजल्ट आता है। बिहार में एक और निर्माणाधीन पुल गिरा, भरभरा कर गिर गया, एक हफ्ते के अंदर तीसरा पुल धड़ाम, एक और पुल धराशायी। अब सिवान के नहर पर बना ब्रिज भरभरा कर गिरा, आवागमन ठप। बिहार में एक और पुल जो है टूटा, पिलर धंसते ही हो गया धड़ाम, तेज आवाज के साथ मचा हड़कंप, देखिए वीडियो। बिहार में एक के बाद एक जल समाधि ले रहे हैं पुल,
अब किशनगंज में गिरा, ये चौथा पुल 3 मिनट पहले देख सकते हैं, ये 4 दिन पहले। बिहार में 1 हफ्ते के अंदर 3रा पुल धड़ा, बिहार में 10 दिन के अंदर 4था पुल धड़ा, ये सब बिहार के बारे में ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है। और यहाँ पे जो है नेताजी लोग, भाई हमको मंत्री बना दो, हमको बढ़िया मंत्री बना दो, हमको मलाईदार पोस्ट दे दो, और लेकिन किसी नेता के मुंह से पुल जो गिर रहा है उसके ऊपर जवाब नहीं निकल रहा है। तेजस्वी जी भी पुल के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, जानते हैं कहा है, कहा कि ये भी पथ निर्माण मंत्री थे। और ज्यादातर पुलवा जो गिरा है ना अभी, वो इनके समय में सेंशन हुआ था ज्यादातर पुलवा, और भागलपुर वाला भी गिरा तो इनके समय में गिरा और सेंशन हुआ था 2016-17 में, जब ये पथ निर्माण मंत्री थे बिहार में, ये पथ निर्माण मंत्री थे बिहार में। अभी तो इन पुराने पथ निर्माण मंत्रियों के पाप के वजह से जो है, जो नए पथ निर्माण मंत्री हैं विजय सिन्हा जी, वो परेशान है बेचारे, करे तो करे क्या करे, ये पहला वाला सब धड़ाम धड़ाम गिरा रहा है, बदनाम हम हो रहे हैं, ये सच्चाई है। नितिन गडकरी जी भी परेशान है, उनको ट्वीट करना पड़ता है कि भाई इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ये हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है। जरा बताइए कि अगवानी सुल्तान पुर सुल्तानगंज, जो अगवानी घाट सुल्तानगंज का जो पुल था भागलपुर वाला, उसका रिपोर्ट अभी तक क्यों दबाया गया? इसलिए जो है हम कोर्ट का सहारा लिए हैं, वो रिपोर्ट सार्वजनिक करवाएंगे। बड़े से ऊपर बड़े बड़े अधिकारी शामिल है, 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, पुल है 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब तो बिहार के लोग जो है ये सब वीडियो भी देखना बंद कर दिए हैं, ये सब खबर भी सुनना बंद कर दिया, क्या कि उनको भी पता है रोज गिरेगा एगो पुल, कितना वीडियो देखेंगे, बतवा हुए बताएगा, कहेगा कि पुल गिर गया पुल गिर गया, कौन सा नया बात कर दिया, ये तो हमारे यहाँ रोज होता है। किसी किसी राज्य में पुल बनता है और पुल बनाने का रिकॉर्ड बनाता है कोई कोई राज्य। हम बिहार के लोग हैं, बिहार के इंजीनियर हैं, बिहार के नेता हैं, पुल गिराने का रिकॉर्ड बनाएंगे और नंबर 1 पूरा दुनिया में नंबर 1 राज्य बनाएंगे बिहार को पुल गिराने के मामले में। ये बिहार के सरकार और बिहार के इंजीनियरों के द्वारा संकल्प लिया गया है। आइए ना हमरे बिहार में पुल गिराएंगे आपके कपार पे, हमने भी ठाना है अब बिहार में पुल गिराने का रिकॉर्ड बनाना है। ये सब जो है चल रहा है, अब ह्यूमन चैन बनाया जाएगा और उस चैन के माध्यम से ये दिखाया जाएगा कि हाँ भाई यहाँ यहाँ जिला में अभी पुल नहीं गिरा है, यहाँ पे भी पुल जल्दी से जल्दी गिराया जाए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सा जिला में पुल गिर गया, पुलिया गिर गया, कौन कौन सा जिला में अभी बाकी है, गिराना बाकी है, इंजीनियरों ने भी कसम खा लिया, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, उस जिला में गिरा देगा सब, एकदम धड़ाम से गिराएगा सब। जरा सोचिए, आज अभी 3 घंटा पहले गिरा है, अब जरा सोचिए, आप लोग बताइए कि ये बिहार में बार बार पुल गिर रहा है वो क्यों गिर रहा है। हम तो ये पुल गिराने वाले भूत को जो है लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इस ससुरा भूतवा मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हमने सोचा कि अब हाई कोर्ट का सहारा लेते हैं, शायद हाई कोर्ट जो है ना इस प्रकार के भूत को जो है पकड़ के सामने लाएगा। अभी भी हम कह रहे हैं कि चलिए सुल्तानगंज में जो पुल बन रहा है वहां पर रिबाउंड हैमर से टेस्ट कर लीजिए, स्ट्रेंथ जो है आधा से भी कम है। रिबाउंड हैमर जो होता है ना, इंजीनियर लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अब हम अमेजोन से रिबाउंड हैमर मंगाने वाले हैं, आज ऑर्डर करेंगे, क्योंकि 4 को पुल आप लोग लगातार 10 दिन के अंदर गिरा है, रिबाउंड हैमर मंगाएंगे और जितना भी बड़ा बड़ा पुल है वो सारे पुल का जो है वो डिजाइन जो है वो RTI के तहत मंगाएंगे और उसके बाद से जाके पुल का पाया और पुल का सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर और सब पे रिबाउंड हैमर लगा के टेस्ट करेंगे, तब देखते हैं। छोटका सा पुलवा गिरा तो उसपे कार्रवाई हुआ, अभी तक भागलपुर अगवानी घाट सुल्तानगंज अगवानी घाट पे जो पुल गिरा उसके ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ, 1700 करोड़ का पुल था वो। उसके बाद से सुपौल में जो पुल गिरा उसके ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं हुआ, वो जो है 2000 करोड़ के आसपास का पुल था, सुनने में आ रहा था, अब ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए माफी चाहते हैं। किशनगंज में पुल गिरा, शायद ठेकेदार पे कार्रवाई हो जाए। मोतिहारी में पुल गिरा, ठेकेदार ने जवाब दे दिया, रात में जाके FIR कर दिया, पुल गिरते ही FIR जाके कर दिया कि रात में ग्रामीणों ने आपसी रंजिश के चक्कर में जो है पुल के नीचे का जो
सपोर्ट था उसको लोगों ने खींच दिया, इसलिए जो है पुल गिर गया। और अब किशनगंज में गिरा है, अररिया वाले इंजीनियर साहब बोल रहे थे कि जेसीबी लगाने की वजह से गिर गया। अब जरा सोचिए भाई, पुल गिर रहा है, जानते हैं कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारे हिसाब से नेताओं का कमीशन, अधिकारियों का भ्रष्टाचार और ठेकेदारों की कमाई, बस ये तीन कारण है और इस तीन कारण की वजह से बिहार में पुल गिर रहा है। चलिए यूपीएससी के एग्जाम में एक सवाल पूछा जाएगा 10 साल बाद कि आखिर बिहार में सबसे ज्यादा पुल किस कारण से गिरा, तो जवाब रहेगा भूत। भारत में सबसे ज्यादा पुल कहां गिरता है, तो जवाब रहेगा बिहार। पूरी दुनिया में पुल गिराने का रिकॉर्ड किस राज्य ने स्थापित किया, तो जवाब रहेगा बिहार। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो विनती है कि शेयर करके उन इंजीनियरों तक पहुंचा दीजिए जो भूत बन के बिहार में पुल गिरा रहे हैं। आप सभी से विनती है और वादा करता हूं, मनीषवा जो बोलता है वो करता है, एकदम 100% करता है। वादा करता हूं कि जो पुल गिराने वाला भूत है ना, उसको सबके सामने लाऊंगा, किसी भी हाल में लाऊंगा। हाईकोर्ट का सहारा हम लोगों ने लिया है और हमें पूरा यकीन है कि हाई कोर्ट से जजमेंट होगा और बिहार के फेवर में जजमेंट होगा और जितने लोगों ने पुल गिराया है उन सबकी सच्चाई सामने आएगी। अब एक और रिट फाइल करने जा रहा हूं कि आखिर जो गांव के गांव में जो सड़कें बनी है और गांव में जो पुलिया बना है, उस सड़क का डिजाइन क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, कितने सालों तक सड़क बना है, कितना सड़क बनाया गया, कितना पैसा खर्चा किया गया, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत कितना सड़क बना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कितना सड़क बना, और वो सड़क अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट किया कि नहीं किया। बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, आग लग गया भवन निर्माण विभाग को, कौन ना विभाग में, इधर विश्वसरैया भवन है ना, उसमें ग्रामीण कार्य विभाग में और भवन निर्माण विभाग में आग लग गया। लगा कि लगाया गया, सब धीरे धीरे सामने आएगा और हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। आप लोग पुल गिराइएगा और हम लोग चुप रहेंगे, बिहार के लोग फिर क्या कहेंगे हम लोगों को, फिर कहेंगे कि ये सब भी बदल गया जो युवा जनरेशन से हम लोगों ने उम्मीद किया था। तो उम्मीद नहीं टूटने देंगे, ना ही मनीषवा बदला है और ना ही मेरा हिम्मत और हौसला टूटा हुआ है। बस प्रयास कीजिए, साथ दीजिए आप लोग और बदलेंगे बिहार और लाएंगे ये भूत को सामने जो बार बार बिहार में पुल गिरा रहे हैं। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और बिहार में पुल कौन से लोग गिरा रहे हैं और इन लोगों के ऊपर किस प्रकार से कार्रवाई होना चाहिए, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। जय हिंद।